मुझे एक चीज़ बहुत शानदार लगी और वो ये है कि देखिए जो व्यू है, यानी कि आप जब यहाँ से लंच करेंगे या ब्रेकफास्ट करेंगे तो देखिए आप जो है व्यू, जो नदी है उसका व्यू, अमेजिंग व्यू, वो आप इंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए आ चुका है हमारा चना मसाला और जो तवा रोटी है वो गर्मा गर्म है, इसे ट्राई करते हैं। देखकर तो बहुत ही टेस्टी लग रहा है। वो जो स्मोकी फ्लेवर आता है ना, तो टेस्ट तो इसका डिसेंट है और जो व्यू है वो काफी मजेदार है। धुआंधार वाटरफॉल देखने के बाद आप जो है भेड़ाघाट का फेमस बोटिंग करने के लिए जा सकते हैं। ये अप्रोक्सीमेट 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, बहुत सारे लोग पैदल ही चले जाते हैं, अब बस या ऑटो रिक्शा से भी जा सकते हैं। अराउंड 600 मीटर में 64 योगिनी मंदिर आएगा। यहाँ पर जो मेन मंदिर है वो शिव जी का है। लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा MPT का कैफे और सामने देखिए नौका विहार प्रवेश द्वार, यानी कि जो फेमस बोटिंग है वो आप जो है यहीं से ही जा सकते हैं। MPT के कैफे में पेड लिफ्ट लगा हुआ है, उसका यूज़ आप कर सकते हैं अगर स्टेप्स से आपको नीचे उतरना या चढ़ना नहीं है तो। देखिए जैसे ही बोटिंग के लिए आएंगे ना, तो यहाँ पे MPT का जो मार्बल कैफ़े है, यानी कि मध्य प्रदेश टूरिज्म का जो कैफ़े है वो रहेगा। और यहाँ पर देखिए अगर रिवर राफ्टिंग करनी है ना तो 3500 रुपीज़ है। ये 6 पर्सन के लिए जो है एक सेट रहेगा और टाइमिंग भी लिखा हुआ है 8 to 4 PM। इसी के जस्ट राइट साइड में देखेंगे ना आपको नौका विहार प्रवेश द्वार, तो यहाँ से आपको जो है बोटिंग के लिए भेड़ाघाट का जो फेमस बोटिंग है उसके लिए जाना पड़ेगा यहाँ से। तो चलिए चलते हैं, मैं तो यहाँ बोटिंग करने आया था। अदरवाइज आप जो है ये कैफ़े है, यहाँ कैफ़े से भी आप जो है कुछ खा सकते हैं। तो अभी चलते हैं फिलहाल बोटिंग के लिए और वापस आके देखते हैं कि क्या है। जैसे बोटिंग के लिए जाएंगे ना, यहाँ पे देखिए दोनों साइड जो है बहुत सारे शॉप्स हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं आप देखिए ये बनती यहीं लोकल में ही है, स्टोन से प्रॉपरली कार्विंग की जाती है। इसमें बहुत टाइम लगता है, टाइम और मेहनत और एफर्ट। क्वालिटी वाले जो मार्बल होते हैं ना उससे बहुत सारे जो है देखिए मूर्तियाँ बना के रखी हुई, ये बड़ी बड़ी हैं और कुछ छोटी भी होंगी। देखिए शिवलिंग वगैरह स्पेशली बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं क्योंकि जो नर्मदा रिवर है वो मेनली कनेक्टेड है शिव जी से। यहाँ देखिए इन लोग कस्टमाइज तरीके से जो है ये बनाते हैं सारी चीज़ें। तो देखिए इस टाइप से जो है इसे कर्व किया जाता है, इतने स्मूथली आराम से एक एक चीज़ों को बनाया जाता है। अगर आप देखेंगे तो ये एक तरह से थोड़ा सॉफ्ट मार्बल होता है, तो वहाँ देखिए ये डिज़ाइन आप जो भी दे रहे हैं उससे रिलेटेड ये प्रॉपरली उन्हें कर्व करते हैं। देखिए कितने स्मूथली धीरे धीरे जो है, इसमें बहुत टाइम लगने वाला ये एक्टिविटी रहता है, इसमें एक एक चीज़ों को करना स्मूथली स्टेप से ये इस पे नाम को अंकित करते हैं और उसके बाद इसमें कलर भी करते हैं। ये जो देखने वाला जो डिज़ाइन है ना मेन, ये देखिए आप इस टाइप के जो है ना जो मोर के पंख के जैसा है ऐसे डिज़ाइन, तो अमेजिंग अमेजिंग बहुत सारे डिज़ाइन आप इजिली बनवा सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप लेंगे तो ये वैसे तो 50 रुपीज़ कह रहे हैं, आप देख लीजिए। जो शिवलिंग है अलग अलग छोटे बड़े साइज़ के बना के बहुत सारे रखे हुए हैं। यहाँ देखिए जो मार्बल से जो बनाया जाता है ना, इसमें फिनिशिंग की जाती है, वो देख के आपको बहुत ही मतलब ऐसा जो पूजा करते हैं ना लोग उनके लिए जिस टाइप से भक्ति रहती है, तो वो आपको देख के बिल्कुल लगेगा कि रियल में शिव जी हैं वो बिल्कुल आपके सामने। यहाँ देखिए इनके पास और भी बहुत सारे हैं, ऊपर अगर देखेंगे आप डेकोरेटिव चीज़ें, और इधर देखिए अमेजिंग। और यहाँ पे कुछ कलर भी किए हुए हैं अगर आप देखेंगे तो इन मार्बल पे, ये सभी पैक करके रखे हैं ताकि कोई डस्ट वगैरह ना लगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं यहाँ के आप जो है परचेस कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, एक नहीं दो नहीं। अगर आप देखेंगे दोनों साइड तो आपको बड़े से बड़े चीज़ें मिलेंगी, छोटी से छोटी मिलेंगी। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे जो स्टोन्स भी यूज़ किए जाते हैं और मार्बल कहेंगे, अलग अलग क्वालिटी रहती है, तो ये सभी आपको अच्छे से देख परख के ही लेना चाहिए। देखिए इनके पास तो इनके पास कितने सारे बहुत सारे हैं और वो जो है नेगोशिएशन कर रहे हैं, देखिए रॉक की क्वालिटी के लिए भी और प्राइस के लिए भी। तो इस तरह से आपको देखकर सभी चीज़ें जो हैं परचेस करनी पड़ेंगी, नहीं तो जब आप वापस जाएंगे तो उसके बाद आपको थोड़ा सा रिग्रेट हो सकता है। अभी हम डाउन स्टेयर्स जा रहे हैं तो चलते हैं और हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। तो यहाँ देखिए बहुत सारे जो शॉप्स आपने देखे हैं, तो किन्हीं भी शॉप से आप ले सकते हैं, ऑलमोस्ट सभी के पास आपको सिमिलर टाइप की चीज़ें ही मिलेंगी। देखिए नर्मदा का जो ये रिवर है यहाँ पर, यहाँ देखिए नहाने के लिए भी है। जैसे ही आप आएंगे ना बोटिंग के लिए डाउन, तो यहाँ से सीधा अगर आएंगे तो आप इस साइड आ सकते हैं, और अगर बोटिंग के लिए जाना है तो आपको वहाँ से लेफ्ट जाना पड़ेगा। और ठीक इसी के पास देखिए पे एंड यूज टॉयलेट है। इस टाइप की जो डेकोरेटिव चीज़ें होती है ना,
फैंसी चीज़ें हो या जो भी हो, ये आपको ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में ही मिलेंगे आपको, ये सभी जगह देखने को नहीं मिलेंगे। देखिए उधर बड़े बड़े शॉप्स से, यहाँ देखिए ऐसे ही छोटे छोटे आपको शॉप्स मिलेंगे बहुत सारे। यहाँ देखिए ये लगाया हुआ अभी जो है जो बंदर कुदनी यानी कि जो मंकी लीप पॉइंट है वहीं तक ही ले जाया जा रहा है। और देखिए प्राइजेस वगैरह यहाँ पर देखिए, तो इस तरह से आप जो है बहुत सारे बोट्स में जा सकते हैं। बोट वाले यहाँ पे जो है रेडी रहते हैं देखिए, और इन बोट्स में आप जो है ट्रेवल कर सकते हैं। फाइनली जो है हम जो है बोट में अकोमोडेट हो चुके हैं। ये 100 रुपीज का है, आज संडे का दिन है। और देखिए बहुत जल्दी जल्दी जो है बहुत सारे बोट्स जो है वो देखिए आप उधर, अगर आगे मैं आपको दिखाऊं तो वो निकल चुके हैं। देखिए आप जो है इस तरह से स्पेशल भी बुकिंग कर सकते हैं, इन सभी के प्राइजेस वहां पर लिस्टेड है। तो एक नाव जो है वो करीब 800 रुपीज में आप इस तरह से बुक कर सकते हैं अपने फैमिली के लिए, दो हो तीन हो जितने भी हो, और आप इस तरह से पीसफुल्ली जो है बोट राइडिंग को एंजॉय कर सकते हैं नर्मदा रिवर के इस अमेजिंग व्यू में। तो अब जो है बोट स्टार्ट हो चुकी है, देखिए अमेजिंग। यहाँ पे देखेंगे ना बिल्कुल किनारा नीचे दिखाई देगा आपको, देखिए पानी जो है बिल्कुल क्लीन है। और ये रही हमारी बोट, यानी कि बोट जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और हम जो है चलने के लिए अब तैयार है। तो अब देखिए अगेंस्ट द फ्लो, यानी कि बोट जो है वो इस साइड चलेगी। और देखिए आप अमेजिंग, ऊपर है झाड़ नीचे पहाड़, आप लोग करें नर्मदा जी में नौका विहार। आप लोग सभी लोग सामने देखो भोलेनाथ, ब्लैक शिवलिंग टापू पर, और मानते हो प्रेम से जोड़ो हाथ, बोलो शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, नर्मदा मैया की जय, और बोट में बैठने वाले सर मैडम दीदी भैया की जय। ये नेचुरल भोलेनाथ है, इसी नदी से निकाल कर स्थापना किया इनको। पढ़ते हैं घी तेल लगाने से, पूजा पाठ करने से हल्का सा दिल के बराबर, महाशिवरात्रि के दिन। अभी यहाँ से हुआ एंट्री, आगे करेंगे कमेंट्री, आएगा साइड बोलेगा गाइड, अभी देखो चारों साइड बैठो एकदम टाइट। यहाँ देखिए ये जो मार्बल्स है ना, इतने सारे मार्बल्स यहाँ पे जो है वॉल्केनो हुआ करता था एक सामने, तो उसकी वजह से जो है ना ये जो बहुत सारे जो स्टोन है इनमें मैग्नीशियम है, जिसकी वजह से पानी जो है देखिए बिल्कुल इतना क्लीन आपको दिखेगा। साइड से देखो लाइट ब्लू मार्बल शुरू हो जाते हैं, हल्का नीला लाइट ब्लू, और यहीं से होती बोट वालों की कॉमेंट्री शुरू। सामने साइड गड्ढे के खिंदी पिक्चर निकाला, गड्ढे के अंदर पुराना मूवी, फिल्म का नाम प्राण जाए पर बचन ना जाए। यहीं आए थे सुनील दात, प्रेमनाथ, साथ में आई थी रेखा, सुनील दात ने प्रेमनाथ को उठा उठा के फेंका, मारते मारते ना गड्ढा हुआ पत्थर तक बैठे। तभी लोग गुलाबी मार्बल हल्का पिंक, बाकी कलर का है वहां पर जिसमें अभी पड़ रही सूरज की लाइट, देखो आप लोग चारों साइड बोलते हैं नहाकर बैठी थी रेखा, उसकी साड़ी का कलर देखा। फिर बोल देते हैं जो सही बतलाता है उनको साइट में उतारा जाता है, बाकी जाना नहीं कहीं वापसी में ले लेती है। अभी देखो बही ये साइट में देखो, स्लेट मार्बल, ग्रे स्टोन, पहले के बच्चे लोग लिखते पढ़ते थे, आजकल कागज खराब करते, मम्मी पापा को परेशान करते, मारते नकल नहीं आती अकल, खेलते पबजी बिगड़ जाती सकल। अभी क्या है सर, अभी ना इतना पानी कम हो गया, ब्लैक निशान दिख रहा है आपको चारों तरफ। अच्छा वहाँ पर पानी इतना कम हो गया भरगी डैम से। बारिश की मार से, पानी की मार से कच्चा मार्बल निकल जाता 100 पिस्टन। नर्मदा जी में आती बाढ़ भर जाती, आधे पहाड़ बंद कर देते नौका विहार। 15 जून से बोटिंग बंद हो जाता, 15 अक्टूबर को चालू। देखिए बारिश के बाद जो है ना उतने ऊपर तक पानी रहता है, वहां से घुमाते हैं, लाइट वगैरह लगा हुआ है। अशोक का मूवी देखा आप लोगों ने, शाहरुख खान करीना वाला, वो देखो दुपट्टा फंसा हुआ। ये रहा वो शिवलिंग जो
इंदौर की रानी जो अहिल्या बाई थी उन्होंने इंस्टॉल किया था यहाँ पर 450 ईयर एगो। देखिए कितना नैरो गली से निकल रहा है। इसे देखना आप लोग चांदनी रात में कैमरा हाथ में कैंडी साथ में और जिसकी कैंडी नहीं साथ में पूरी बोतल जाना हाथ में। तो अब जो है बोट वापस चल रही है, वैसे कुछ आगे है और पॉइंट्स वो हम फिर नेक्स्ट टाइम देखेंगे क्योंकि इस बार तो पॉसिबल नहीं हुआ। बट यहाँ देखिए बहुत सारे जो डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग मार्बल्स होते हैं ना, देखिए कुछ ब्लैक है, ग्रे कलर के हैं, वाइट कलर के हैं, ये कुछ है। और आगे जो है देखिए वहाँ पर ये बिल्कुल शाइनिंग है, इस टाइप के बिल्कुल वाइट मार्बल ये, और आगे जो है उधर है जो हमने देखा था वाटरफॉल वगैरह उस साइड। सतपुड़ा इस साइड के और इधर के आप देखेंगे ना तो विंध्याचल, ये जो पहाड़ है ना इनके बीच में जो है माँ नर्मदा, देखिए ये व्यू अमेजिंग। वहाँ देखिए लाइट्स वगैरह भी ऑलरेडी लगा के रखे हुए हैं क्योंकि ये जो बोटिंग है जो पूर्णिमा होता है शरद पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा, तो इन दो दिन में जो रात होती है तब चंद्रमा जो है वो अपने फुल जो है मून लाइट में होता है, तब जो है नाइट में भी बोटिंग होती है। वापस किनारे जाने वाली बोट और लगे ना किसी को चोट, और हम सुधरेंगे सभी लोग एक एक करके बनवाई बांध। ऊपर वाले पॉकेट में आप लोग मोबाइल कैमरे रखना, डूबते समय पानी में गिर जाते हैं फिर मछलियां सेल्फी निकालती पानी में। अब जो है चलते हैं, बोटिंग कंप्लीट हो गया है, अब हम निकलते हैं यहाँ से। फाइनली बोटिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। जो बोटिंग को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है इनका जो यूनिक स्टोरी टेलिंग स्टाइल है उसकी वजह से, तो अमेजिंग एक्सपीरियंस था। होप आप डेफिनेटली इंजॉय करेंगे अगर आते हैं तो। लिफ्ट के थ्रू भी जा सकते हैं, देखिए लिफ्ट में आप जो है टिकट लेके आ जा सकते हैं, 50 रुपीज है बोथ द साइड, 25 वन साइड। यहाँ पर देखिए जो बोटिंग है यहाँ पर बहुत सारे आपको अलग अलग स्नैक्स मिल जाएंगे, लोग जो है बैठ के यहाँ पर अच्छा टिफिन भी ला के खा सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे जो है बोटिंग सर्विस के साथ साथ जो है स्नैक्स वगैरह भी खा सकते हैं। देखिए यहाँ नर्मदा नदी के तट पे ये जो पंचवटी जो बोटिंग है, बोटिंग पॉइंट वहां पर है, यहीं पर ही जो है स्नान किया जा सकता है, बिल्कुल पास में ही, दूर नहीं जाया जा सकता है, पास में ही यहाँ पे स्नान किया जा सकता है। और यहाँ पर पंडित जी भी बैठे हैं अगर कोई पूजा पाठ करवानी हो तो, उस साइड और इस साइड भी। देखिए पानी जो है कितना क्लीन है, अमेजिंग। देखिए शो पीस के लिए है ये, लाइट में ये जो इस टाइप के जो देख रहे हैं ना स्टोन, ये जो है शाइन करते हैं, चमकते हैं ये लाइट में, अगर इन स्टोन्स को देखेंगे तो ये लाइट में चमकते हैं, इसे शो पीस के लिए डेकोरेट किया जाता है घर में इसे तोड़ तोड़ कर। होप ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर योर टाइम। भेड़ाघाट को
अब बाय बाय कहने का टाइम आ गया है भेड़ाघाट को।